हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों के मैथ के 2025 के एग्जाम में आ भी चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2018 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है, 2022 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में किस किस तरीके से पूछा जा चुका है। कभी कभी हमसे यहाँ पर एनवा पद ही पूछ लेता है, कभी कभी हमसे यहाँ पर दसवा पद, आठवा पद या फिर ग्यारहवा पद, इस तरीके से क्वेश्चन हमारा अब तक एग्जाम में पूछा गया है। बस यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी चेंज कर दे रखी होगी और यहाँ पर हमसे कोई सभी पद पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को करना आना चाहिए। अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस करना आता होगा तो एग्जाम में आपका आराम से एक नंबर पक्का हो जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन करना नहीं आता तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है और यहाँ पर हमें क्या निकालना है। हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है 1, 3, 5, 7 और इसी तरीके से ये श्रेणी हमारी आगे भी बढ़ती रहेगी। यहाँ पर हमसे इस क्वेश्चन में इस श्रेणी का एनवा पद पूछ रखा है। अब इसको हम किस तरीके से निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपको एपी के एनवा पदों का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को नहीं पता मैं अभी आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है और यहां पर हमें इस क्वेश्चन में एनवा पद ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, यहाँ से आप फॉर्मूले को नोट कर लेना क्योंकि ये फॉर्मूला आपके आगे भी काम में आएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि एपी का एनवा पद एन बराबर हो जाएगा ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर एक। अगर हमें यहाँ पर एनवा पद निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास a होना चाहिए और d होना चाहिए। a होता है हमारे पास प्रथम पद और d होता है हमारा सर्वांतर। अब प्रथम पद हमें जो श्रेणी में दे रखा है वो दे रखा है हमें एक, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास एक। अब हम सर्वांतर कैसे निकालते हैं उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। सर्वांतर डी बराबर होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू हो जाएगा हमारा श्रेणी का दूसरा पद, तो ए टू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास तीन और ए वन की वैल्यू हमारे पास है एक। तीन में से हम यहाँ पर एक को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास सर्वांतर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दो। अब इन दोनों ही वैल्यू को उठाकर हम समीकरण एक में रख देंगे जिससे हमारे पास एपी का एनवा पद आ जाएगा। अब इसके हम कैलकुलेशन को कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूं। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि a और d का मान हम यहाँ पर समीकरण एक में रखेंगे, तो ये थी हमारे पास समीकरण नंबर एक। अब इस समीकरण एक में हम यहाँ पर a और d की वैल्यू को रख देंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा an बराबर होगा a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस वन और d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दो है इसके हम अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एन माइनस वन से। जब हम यहाँ पर दो के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टू एन माइनस टू। अब हम यहाँ पर देख लेंगे जो हमारे पास प्लस वाली संख्या उन्हें जोड़ देंगे और जो माइनस वाली संख्या उनको घटा देंगे, तो टू एन तो हमारा यहाँ पर बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास माइनस के दो और यहाँ पर हमारे पास प्लस के, यानी कि यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली संख्या बड़ी है तो हम यहाँ पर घटा देंगे, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के एक। तो यहाँ पर हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
2n-1। तो इस क्वेश्चन में हमसे nवां पद पूछ रखा था जो कि हम यहाँ पर निकाल भी चुके हैं। अब हम इसके आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर हो जाएगा 2n-1 और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फॉर्मूला होता है एपी के एन पदों का, अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो फिर इस तरीके के आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई सभी पद निकालने के लिए दे सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे एनवा पद पूछा था तो हमने यहाँ पर एन की वैल्यू कुछ नहीं रखी। अगर यहाँ पर हमसे दसवा पद, आठवा पद या फिर ग्यारहवा पद कुछ भी पूछता तो यहाँ पर हम एन बराबर उस वैल्यू को रख देते, जैसे एन बराबर आठ रख देते या फिर एन बराबर दस रख देते, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता। तो उम्मीद करता हूँ जिन स्टूडेंट को इस तरीके क्वेश्चन करना नहीं आता था, इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। और अगर आप इसी तरीके के मैथ के और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको मैथ के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से मैथ के और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।